अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्यूटी हेल्थ में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके कितने फेस से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको फेस पैक बनाना सिखाऊंगी, वो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। जिस किसी को भी छाइयों की प्रॉब्लम है, पुरानी से पुरानी छाइयाँ हो, तो उसके लिए आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को मस्तली प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अपनी आज की रेमेडी बनाना स्टार्ट करें। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने 4 से 5 टीस्पून जो है वो कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। पिगमेंटेशन के लिए कच्चा दूध जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर आप सिर्फ इसका मसाज ही अपनी स्किन पर करें तो आपको कभी भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें रॉ मिल्क ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, और ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी बहुत अच्छे से देता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर पे मैं पहले रिव्यू बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो आप वो वॉच कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। मोरिंगा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इसको एज अ ड्रिंक भी यूज़ करें तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसमें तकरीबन हम इसको 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन तब होती है जब आपकी स्किन पर विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो आप अपनी डाइट में भी विटामिन ई को शामिल करें। इसके अलावा विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते रहें ताकि आपकी स्किन जो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहे। हमारे इंग्रीडियंट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट जो है बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा पतला है और इसको इसी कंसिस्टेंसी में आपने बनाना है। आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आपने इसको किसी कॉटन मॉल की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करना है। फुल फेस पर अप्लाई करें या फिर अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें, जहाँ मर्जी आप अप्लाई करें। लेकिन इसको आपने दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है। और इसको लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट तक लगा रहने देना। इसके बाद आपने अपना फेस जो है वो सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। रोज़ाना 2 दफ़ा अप्लाई करना है। 1 हफ्ता रेगुलरली करने के बाद आप अपनी स्किन पर नोटिसेबल डिफरेंस फील करेंगे और आपकी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और साथ आपकी स्किन भी ब्राइट होगी। अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इसे सॉल्व होगी। और ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।